आसिफ के ऊपर वो केस जो करे वो बिल्कुल गलत है, क्या और गलत जो इल्ज़ाम लगाए उन आसिफ के ऊपर वो गलत है। आसिफ जो पीछे पड़े बोल रहे ना वो गलत है। वो आसिफ के पीछे उन्हों खुद थे, पहले से 2 साल से उन्हों खुद पीछे थे। बच्चे की शादी हो गई, सो मसला जबीच ख़त्म हो गया था। 6 महीने हो गए शादी हो के, 6 महीने के बाद से फिर से उन्हों उनको ब्लैकमेल कर रहे थे। उन्हों तुम बात नहीं करे तो ये कर लेती हूँ वो कर लेती हूँ बोल रहे थे उन्हों। इस वजह से आसिफ मजबूरी में ये कदम उठाए। आपके प्रूफ है? 2 साल से बात कर रहे थे बोल के। प्रूफ 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 है? है दो साल ना, पहले है, उनका प्रूफ भी बयान है, मालूम है। प्रूफ पूरी बस्ती है जी। मेरा नाम सईदा बेगम है, महिला मंडल सेक्रेटरी हूँ, सोशल वर्कर हूँ। और ये बच्चे का जो केस आ चुका है, मीडिया वाले जो है एक तरफ का सुन के डाले, कि ये भी सुनना ज़रूरी है मीडिया को कि बच्चे पे नाजायज ये तोहमत लगाए गए। बच्चे से 2 साल से अफेयर चलता, मैं खुद उनकी इंक्वायरी करूँ और उनके घर पे आप इंक्वायरी कर सकते कि वो लोग कैसे है लोग। तीसरा मर्द है ये टोपी वाला, पहला मर्द नहीं होता। ये बच्चे को हरासमेंट करती, बच्चे को बार बार फ़ोन करती, बच्चे को बुलाती, उसके मर्द का नाम जाबिर, ये तीसरा मर्द। 2 साल से बच्चे के साथ है वो औरत। हम इनकी जानकारी करें और महले में दरियाफी में कर चुकी हूँ और आप भी कर सकते। और क़ानून से और 3 नंबर PS से हम यही अपील करना चाह रहे हैं कि आप के ये भी तहकीकात करो कि हमारा ये छे तेलंगाना वाले उनसे भी ये छे हमारी बात है, हमारी यही अपील है कि ऐसे औरतों को भी सख्त से सख्त सज़ा देना चाहिए। शुक्रिया। हाँ, अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद फरीद है, मैं आसिफ का छोटा भाई बड़ा भाई हूँ। कैसो आसिफ 23 जून को कैसो जो वाक़ा हुआ था, तो एक तरफ़ा बयान हुआ था, तो उस सिलसिले में मीडिया से अपील कर रहा हूँ मैं कि लड़की जो थी एक तरफ़ा बयान दी है, और क्या सो वो लड़की की काफ़ी सारे दास्तान हैं, हम बताना नहीं चाह रहे। और महल्ले वालों से भी हम गुफ्तगू करें, महल्ले वाले भी क्या सो बच्ची के ताल्लुक़ से गैर गलत बोले हैं, तो बच्ची का कैरेक्टर बहरहाल जैसा भी है हम वो सब बताना नहीं चाह रहे। मगर हम ये बोलना चाह रहे हैं कि जो बच्ची बोली है सो गलत बात बोली है। बच्ची बच्चा आसिफ क्या सो ज़बरदस्ती रमज़ान से पीछे पड़े हुए थे, बच्ची क्या सो 2 साल से पीछे पड़ी हुई थी। बच्चे की 6 महीने शादी हुआ आसिफ की, शादी के बाद में बच्चा सब छोड़ दिया। छोड़ देने के बाद में बच्ची क्या सो ज़बरदस्ती फ़ोन आ करके बहुत तंग तंग करी। ये बच्ची कॉलिंग के फ़ोटोज़ है, स्क्रीनशॉट्स है। और दूसरी चीज़ कहते हो और भी फ़ोटोज़ है, हम नहीं शो करना चाह रहे, कुछ ऐसे ऐसे फ़ोटोज़ है क्या हम नहीं बताना चाह रहे कि वो तो किसी की बीवी है, वो वजह से हम नहीं बोलना चाह रहे। और दूसरी बात क्या है तो आप ये सब बातों से जी क्या करना चाह रहे हैं? क्लैरिफाई ये करना चाह रहे, बच्ची बोली के मेरे ताल्लुकात नहीं हैं, बच्चा खुद ज़बरदस्ती पीछे पड़े हुआ है। मगर नहीं, बच्ची गलत बात बोल रही, 2 साल से उनका अफेयर बच्ची आसिफ मोहम्मद आसिफ के साथ था, मेरे भाई के साथ, तो 2 साल के बाद में वो ख़त्म हो गया शादी से। 6 महीने ख़त्म हो गया, ख़त्म होने वाला लोग कहना है कि आप लोग जाके उनको टॉर्चर कर रहे हैं, मार रहे हैं। नहीं नहीं, जान से मारने की कोशिश भी कर रहे हैं उनकी। नहीं नहीं नहीं, 6 महीने के बाद में, ये 6 महीने से पहले सो मसला ख़त्म हो गया बच्चे की शादी से पहले, तो बच्चा नहीं मिलता हूँ बोल के बोलने के बाद में भी ज़बरदस्ती दूसरे नए नए नंबरों से कैसो बच्ची फ़ोन कर रही थी। तो आखिरी में ये बोली कि मैं हाथा काट लेती हूँ, मैं पैर गला काट लेती हूँ बोल के धमकी दी, तो बच्चा कैसो घर के पास गया, जाने के बाद में फंसा के मेरे भाई को मारा खिलाई। हम मारे लाके, हम इस वास्ते मारे, हम ये नहीं समझे हमारा बच्चा गलती करा बोल के, हम वो समझ के हम बच्चे को मारे। मारने के बाद में भी आप सब बात जी क्या चाह रहे हैं? अभी ये बोलिए, अभी ये जा रहे एक अपील ये है कि आप लोगों से ये न्यूज़ हर जने को पहुँचाइए, और हम कानून से ये चाह रहे कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और दूसरे भाई आपके कर जी या नहीं करे ये किस्सा जो हुआ जी, परसों का जो किस्सा हुआ टन टू मटर का, हाँ वो किस्से में नहीं, वो बुला के ज़बरदस्ती फंसाई ना, वो फंसा के मारा खिला के, मारा खाने से जीद आने से
शायद वो करा होगा, हम भी उसके हाथ से हम कंफर्म नहीं हैं, शायद वो करा, पब्लिक बोल रही करा बोल के। तो अभी फिलवक्त रिमांड में है मेरा भाई, क्या रिमांड में है, रिमांड से आने के बाद में इंशाल्लाह फिर एक मैं सामने बच्चे को ठहरा के फिर एक वीडियो डालूँगा और इंशाल्लाह ये लोगों के ऊपर मैं बराबर काउंटर केस मैं करूँगा। मैं ये जो चार नंबरों से जो फ़ोन आते थे इन लोगों के ऊपर भी करूँगा और सभा तो मैं इंशाल्लाह इन लोगों के ऊपर भी केस करूँगा और इंशाल्लाह और उनके शौहर के ऊपर भी केस करूँगा। जबकि उनके शौहर को भी मालूम, उनके भाइयों को भी मालूम, उनके दूसरे शौहर है, वो तीसरे शौहर है दूसरे।